हाय गाइज, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आज फाइनली मैं शूट कर रही हूँ इतने दिनों बाद। मैंने पिछले दिनों इतनी बार सोचा ना कि चलो आज व्लॉग बनाती हूँ, आज व्लॉग बनाती हूँ, और कुछ स्टार्ट भी किया, लेकिन दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बिकॉज कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसका फीड, फिर इसका सोना, फिर इसका नहाना, इसकी मालिश, फिर हर चीज़ बैक टू बैक चलती रहती है। आई मीन, आप में से कई लोग तो इस फेज से जो है गुजर चुके होंगे, एंड आई एम श्योर आप लोग हमें काफ़ी कुछ टिप्स भी दे पाओगे। एंड हमारे लिए अभी ये थोड़ी शुरुआत है इस फेज की, थोड़ी ये न्यू जर्नी जो है ये अभी शुरू हुई है। सो यूज़ टू हो रहे हैं अभी भी ऑब्वियसली, बिकॉज इसके हिसाब से जो है पूरा रूटीन अभी हमारा बन रहा है। तो आज जैसे मैंने क्या किया, ये जब ये फीड लेके सोता है तो मैं भी इसके साथ 2-3 घंटा सो जाती हूँ, फिर ये उठता है तो मैं उठती हूँ, लाइक दैट। सो अभी भी जस्ट फीड लेके लेटा है मेरी गोद में, एंड मैंने सोचा कि चलो कुछ तो स्टार्ट करूँ, और फिर सो मेनी थिंग्स टू शेयर, सो मेनी थिंग्स टू टॉक। तो शुरुआत तो करते हैं, फिर देखते हैं आगे व्लॉग आज कंप्लीट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मतलब मैंने अपने बालों में कल परसों मैंने ऑयल लगाया था, और मुझे कल पूरा दिन मौका नहीं मिला कि मैं हेयर वॉश करूँ। मैं ऐसे ही 5 मिनट में जल्दी जल्दी से नहा के आ गई थी। तो आज मैंने ये सोया था आज काफ़ी देर पीसफुली, तो मैं आराम से जो है अपना हेयर वॉश करके आई हूँ। बट इट्स ऑल फन। मतलब इस तरीके से अपने लिए टाइम ना मिलना भी, उसमें भी एक अपना ही मज़ा है। एंड ऑल द मदर्स इन दिस फेज, या जो इस फेज से गुजर चुकी हैं, वो मेरे साथ अग्री करेंगी कि दिस मैडनेस हैज़ इट्स ओन चार्म। यस, सो लिविंग दिस राइट नाउ। सो है अभी ये थोड़ी देर जगा हुआ है, इसके बाद ये सो जाएगा, तो मैं सुला लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और फिर मारते हैं थोड़ी और गप्पे। आ गए, सबका टाइम फिक्स है। दादी आती है, नानी आती है, सबका टाइम फिक्स है, सब मिलने आते हैं। मम्मी का तो घर धोबी घाट बना हुआ है। मम्मी आ गई हैं, इसके पास मम्मी बैठेंगी सुनाएंगी, तब तक मैं जो है अपनी चाय पी लेती हूँ, और आप लोगों के साथ थोड़ी गप्पे मार लेती हूँ। दिन भर ऐसे इसका सामान यहाँ वहाँ फैला रहता है, जब भी मौका मिलता है सामान वापस इसके बैग, इसलिए इसका बैग मैंने यहीं रखा हुआ है कि यहाँ से मुझे बहुत इजी एक्सेस है। और अभी जैसा आपने शोएब के ब्लॉग में कल देखा होगा कि घर है ना 50% रेडी है, तो अभी तक सामान पूरा जगह पे है नहीं, इसीलिए ये बैग मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एंड फिलहाल हो रहा है चाय टाइम, मैं पी रही हूँ चाय और खा रही हूँ साथ में ठेपला। एक बहुत काम की चीज़ है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इस वक्त, जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरी आशु लेके आई थी दोहा से, और मेरी जो डॉक्टर थी वो भी देख के बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं मिलता। सो इट्स वेरी यूज़फुल फॉर फीडिंग मदर्स, जो भी मदर्स फीड करना चाहती हैं। और ये कहाँ से है मुझे नहीं पता, बट मैं आशु अभी जब मेरी उससे बात होगी मैं उससे डेफिनेटली पूछ के आपको बताऊँगी। यस, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये है मेरा फीडिंग पिलो। तो ये इस तरीके से मेरे बैक पे जो है बकल हो जाता है पूरा इस तरीके से, और रूहान को मैं यहाँ बैठा मतलब सुला लेती हूँ, एंड दैट इज़ अ स्लाइट सपोर्ट, नॉट एग्जैक्टली बट स्लाइट सपोर्ट फॉर द बेबी। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो आशु, थैंक यू। एक्चुअली आशु की कोई कलीग हैं जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया था वहाँ पे दोहा में, एंड शी वॉज़ यूजिंग दिस। सो जब आशु शॉपिंग लिस्ट बना रही थी मेरे लिए, तो उसने सबसे पहले ये चीज़ बिना मुझसे पूछे कहती, दिप्पी आई विल ऑर्डर, डोंट बाय फ्रॉम हेयर, और वो ये लेके आई थी। शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ बहुत अच्छी होगी और बहुत यूजफुल होगी। एंड बिल्कुल, इससे क्या होता है ना, मुझे एक बहुत कंफर्टेबल पॉस्चर मिल जाता है आराम से, अगर मैं टिक के बैठना चाहूँ। एंड बहुत ज़रूरी होता है कि फीड करते वक्त जो मदर है वो बहुत कंफर्टेबल रहे,
वरना बैकएक का बहुत इशू होगा एंड देन इट्स डेफिनेटली नॉट गुड, क्योंकि फीड बहुत वक्त तक कभी कभी चलता है या बहुत मल्टीपल टाइम्स ऑफ द डे होता है. तो हमारा कम्फर्ट मदर्स एज मदर्स हमारा कम्फर्ट भी बहुत ज़रूरी है एंड ऑब्वियसली बेबी का पॉस्चर कम्फर्टेबल भी बहुत ज़रूरी है. तो ये जो पिलो है ये दोनों चीज़ में हेल्प करता है. सो यस यस, ये देखिए ये है रूहान का गिफ्ट. तो ये गिफ्ट जो है ये रूहान के चाचू ने मिल के दिया है. उन्होंने बहुत पहले से डिसाइड करके रखा था कि जब बेबी होगा तो वो ऐसा कॉट ला के देंगे बेबी के लिए. तो हियर इट इज़, ये वो लोग बुक करके आए थे उस दिन और डिलीवर अभी 2-3 दिन पहले हुआ है. और इसके अंदर की जो बेडिंग है ना, वो उस दिन सबा शॉपिंग करने गई थी रूहान के लिए गिफ्ट्स, तो इत्तेफाक से वो ये बेडिंग ले आई थी. उसे नहीं पता था कि कॉट है नहीं है, आने वाला है क्या. वो जस्ट बेडिंग उठा के ले आई, क्योंकि ये बेडिंग आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो. वो बेडिंग ले आई और फिर लड़कों ने मुझसे पूछा कि भाभी अंदर की जो बेडिंग मैं बोला वो तो सबा ले आई है, तुम लोग उसका मैचिंग गार्ड ले आओ जो आसपास का गार्ड होता है. तो वो भी आ गया है. तो चलिए सबसे पहले हम बेड जो है वो सेट करते हैं. सो ये देखिए इस टाइप से ये बेडिंग लगेगी और ये है उसका आसपास का गार्ड और ये है हमारे रूहान का कॉट. करेक्ट टाइम पे जो है रिहान आ गया है, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि मैं इसे खोलूंगी तो शोर कॉल करेगा. और मैं अभिषेक को इसलिए नहीं बुलाना चाहती क्योंकि मैं इनको एक साथ बुला के सजाने के बाद दिखाना चाहती हूँ रूहान को इसमें लिटा के, क्योंकि बहुत प्यार से लेके आए हैं. तो इसलिए मैं आज अभिषेक को नहीं बुलाना चाहती. तो अभी कैसे बिछाना है ये ज़रा हम फिगर आउट करें. ये आई थिंक ब्लैंकेट है, ये नीचे का कोई तो नहीं, ये भी ब्लैंकेट लग रहा है. देखते हैं कंटेन्स करोगे शीट फ्लीस ब्लैंकेट. फ्लीस ब्लैंकेट तो ये शीट की जरूरत, ये वाला नीचे बिछाया हुआ है करेक्ट जी. बेड तो सही है लेकिन ये वाला जो है ये एक्चुअली आप तब बांध पाओगे जब ये और नीचे जाएगा. सो बेसिकली इस कॉट में 3 सेटिंग्स होती हैं, आप लोगों को पता होगा, हमारे पास पहली बार आया है, जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ. तो 3 सेटिंग्स होती हैं. अभी हमने सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे लगाया हुआ है. ऑब्वियसली सुहान बहुत छोटा है और वो तो इसमें रात में तो नहीं सोएगा, दिन में अगर कुछ काम वाम कर रहे हो तो लिटाना है, बेड बनाना है तो लिटाना है, तो हम यूज़ करेंगे. तो इसीलिए अभी रूहान छोटा है तो ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है. एज रूहान ग्रोज सो दिस विल गो लोअर. तो तब जब डीप हो जाएगा ताकि बेबी को, और उस वक्त बेबी मूवमेंट्स बहुत करने लगते हैं ताकि बेबी को जो एजेस हैं वो हिट ना करे, इसीलिए हम ये उस वक्त लगाएंगे. ये साइड का सेफ गार्ड है. तो अभी के लिए उसका बेड विथ ब्लैंकेट रेडी. तो मुझे ना अभिषेक को बुलाना ही पड़ा क्योंकि मुझे व्लॉग जो है वो एडिट करना है. इसलिए हमने रूहान को यहाँ पे लिटा दिया है और अब उसके अभिषेक चाचू देखेंगे कि सब कुछ रेडी है. चलो आइए. किधर गए अभिषेक भाई? हाँ जी आ जाइए आपकी गिफ्ट में. सही है ना? ये बिल्कुल सही है. तो हमने सोचा आज रेडी करके फिर आपको बुलाएं. चाचू ने दिया है, मजा आ रहा है सोके. ओए अभी और आएंगे. हाँ मैं सो रहा हूँ. डोंट ट्रबल मी. हाँ अब भी जागा, देखो उसका पूरा बेड सेट हो गया. हाँ. आप जिम नहीं जा रहे? अच्छा ठीक है ओके आ जाओ.
तो आप लोगों को तो पता है कि घर आधा अधूरा हुआ है, हम आ गए हैं बुआ के घर से, यहाँ पे रूहान का सामान भी आ गया है। ये है उनके डब्बा भर के कपड़े, छोटे मोटे कपड़े, इतने क्यूट क्यूट लगते हैं ना। सो इसके लिए पहले हमने काफी कपड़े लिए थे, मैं और शोएब गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद, इसके होने के बाद, मैंने हॉस्पिटल में बैठे बैठे सारी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन की है। तो मैंने H&M की वेबसाइट से, मदर केयर की वेबसाइट से जो है एकदम टाइनी टाइनी जो कपड़े आते हैं, जो कि ये है कि सबसे छोटा साइज होता है, ये मैंने ऑर्डर किए हैं और बहुत बहुत सारे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये देखो ये, और ये तो देखते ही मैंने सोचा कि हाँ ये तो एक होना चाहिए ना। अभी रुकिए, जब उसका फेस दिखा देंगे ना उसके साथ, उसके बाद इसके साथ एक फोटो खींचूंगी उसकी। सो एनीवेज, फिलहाल जैसा कि आपको बताई थी कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, तो बाल मैंने धो तो लिए, पर अब आपको दिख रहा है मुझे सुखाने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद से मैं उसकी ड्यूटी पे लगी हुई हूँ। तो अभी पिछले 3 दिन से हमारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, वो जमाने का भी वक्त नहीं मिल रहा है। ये कबर्ड्स में डालना है, इसीलिए मैंने बॉक्स में रखा हुआ है कि एटलीस्ट डस्ट तो नहीं जाएगी। एंड ये भी आके रखे हुए हैं, ये उसका वो चेयर नहीं होती है जिसमें बिठा दो और वो ऐसे झूल सकता है, वो है। ये उसका स्ट्रोलर है, ये सब भी खोलना है, यूज करना है, लेकिन खैर स्ट्रोलर तो अभी हम कहीं बाहर निकल नहीं रहे तो यूज नहीं होगा, बट ये है एंड आई कैन हियर हिम क्राई, तो मैं उसको अटेंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, सो गया है रूहान चुपचाप, ज्यादा रोता नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं करता है, जब भूख लगी होती है तो रोता है, या किसी चीज का थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है तो रोता है। सो ही इज एट पीस, और नानी बैठी हुई है उसके पास में, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ये ब्लॉग खत्म करके आज लाइव कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने आप लोगों से मुलाकात नहीं की है अपने चैनल पे। सो दैट्स अबाउट इट, यही है इस वक्त लाइफ रूटीन। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं पूरा रूटीन तो कवर नहीं कर पाई, लेकिन यही होता है कि वो अभी जैसे रात में 2-2, 3-3 घंटे जब सोता है तब मैं उसके साथ सो जाती हूँ, फिर जब वो फीड लेने के लिए उठता है तब मैं उठती हूँ, देन मॉर्निंग में मैंने टाइम ऐसे किया हुआ है कि जैसे ही वो जगता है मैं वैसे ही अपना नाश्ता रेडी करने के लिए बोल देती हूँ, देन आई ईट एट दैट टाइम एंड आई स्लीप विथ हिम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ मदर जब आप फीड भी कर रहे हो और हर चीज़, तो अपने आप का ख्याल भी साइमल्टेनियसली रखना एंड खुद की एनर्जी भी मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी कि मेरे आसपास बहुत सारा सपोर्ट है। यू नो, कभी मुझे, अभी जैसे मम्मी बैठी हुई हैं, कभी मुझे कुछ और काम होता है, किचन में कुछ करना होता है, मैं अम्मी को बुला के बिठा देती हूँ, रेहान आ जाता है, कोई ना कोई रहता है उसके पास, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लॉट मोर इजी। लेकिन चाहे जैसा भी हो, चाहे अपने लिए वक्त ना मिले, चाहे नहाने का वक्त ना मिले, चाहे कुछ भी ना हो, बट दिस इज अ वंडरफुल ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। हर एक चीज़, उसका डाइपर बदलना, उसको फीड करना अपने आप में एक इतना बड़ा चैलेंज भी कह सकते हो आप, एक वो फीलिंग बहुत खूबसूरत है, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी इन इटसेल्फ। तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में एक डिटेल ब्लॉग बनाना चाहूँगी आप लोगों के साथ, एक्सपीरियंस पूरा शेयर करने में। सो दैट्स अबाउट इट, फिलहाल ये ब्लॉग मैं यही खत्म कर रही हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के साथ मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से हर बार की तरह ढेर सारा थैंक यू रूहान को इतना सारा प्यार और इतनी सारी दुआएं देने के लिए, एंड इसी तरह हमेशा रूहान को अपने प्रेयर्स में रखिएगा, अपनी दुआओं में रखिएगा, एंड लव यू ऑल गाइस।